यादव जी, समाजवादी पार्टी के जुझारू नेता, हमारी माताएं बहने और उपस्थित बैठे हुए बड़े बुजुर्ग, नन्हे मुन्ने बच्चे। मैं विजय लाल यादव, आप बड़ी हैरत भरी नजर से देख रहे होंगे कि एक भाई चुनाव लड़ रहा है, दूसरा भाई आकर के अखिलेश यादव जी का प्रचार कर रहा है। जैसा कि हमारे गीत के माध्यम से भी आप लोगों ने हमेशा सुना है कि मैंने समाजवादी और समाजवादी गीतों को हमेशा गाया है। हमसे पूछने की जरूरत जरूर किया था, मैंने बताया भी था कि ऐसी गलती मत करना, क्योंकि जिन लोगों ने तुम्हें जमीन से उठा करके आसमान पे बिठाया है, जिन लोगों ने तुम्हें हीरो बनाया है, चुटकी बजाते बजाते वही लोग हवा में उड़ा देंगे, इस बात को अपने दिल में रख लेना। कहा कि भैया हम चुनाव लड़ेंगे आजमगढ़ से, हमने कहा जब आजमगढ़ से चुनाव लड़ोगे तो अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पहले तुम्हें विजय लाल यादव का सामना आजमगढ़ में करना पड़ेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये तोड़ फोड़ की राजनीति, त्रुटिकरण की राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी के खून में है। ये इतने चलाक लोग हैं कि सबसे पहले तो हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान पर कुठाराघात है, दूसरी बात झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोल करके पूरे हिंदुस्तान को परगला दिया है। आज जमान मचल गया है, पूरा हिंदुस्तान लड़ाई ले रहा है, बदलना चाहता है, प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठाना चाहता है किसी और को, इस झूठे प्रधानमंत्री को हटा देना चाहती है ये हिंदुस्तान की जनता। मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं निवेदन करने आया हूं आपसे, मैं आपके बीच में हूं। जब आप याद करिएगा आधी रात को, हमारे छोटे भाई हैं, जब भी याद करिएगा आधी रात को, हम आपके लिए तैयार हैं, चाहे ये चुनाव पीरियड हो या चुनाव के बाद का पीरियड हो, हम आपके बीच में जरूर है। लेकिन एक निवेदन हाथ जोड़ के आपसे करने आया हूं कि चुनाव तो जीता जिताया है, लेकिन यह कसम कस इस बात की चल रही है कि हम कितना से चुनाव अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जिता करके यहां से भेजे कि हिंदुस्तान के लोग दांतों तले अंगुली दबा लें कि वाह, ऐसी जीत आजमगढ़ वालों ने जो जिताया है, ऐसी जीत हिंदुस्तान में किसी नेता की नहीं हुई। कहना बहुत कुछ है मित्रों, 12 तारीख के आने वाले चुनाव के दिन यह महापर्व है। सारा काम कोई दरकिनार करते हुए पोलिंग बूथ पर जाकर के साइकिल के आगे की बटन दबा करके और अखिलेश यादव जी को भारी मतों से विजयी बना करके और आजमगढ़ की सच्चाई पेश कर देना हिंदुस्तान के सामने, बस यही कहने आया हूं। मैं नमस्ते प्रणाम करता हूं, और प्रत्याशी का जहां तक सवाल है तो अखिलेश भैया तो दूर की बात है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय तो दूर की बात है, हम जैसे लोग जहां आएंगे तो ऐसे ऐसे प्रत्याशियों से हमारे पैर और हमारे रोल तक नहीं उठ सकते हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई भी देता हूं, और अपने नेतागण को बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम सम्मान देता हूं, और आपसे एक बार फिर अपनी माताएं बहनों से निवेदन करता हूं कि खूब आराम से प्रेम से, जैसे कौनो कार परोज में हमन निकल जला चिंता करके कि हमार परोजन पड़ल, हमार कार पड़ल है कि पूरा करे के है, इो एक परोजन है हिंदुस्तान का, और श्री अखिलेश यादव जी को जिताने के लिए कमर कस के तैयार हो जाइएगा और एक एक वोट ईमानदारी से डाल दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय समाजवाद, जय हिंद, जय भारत।